भाई बताएं क्या लाया अमल है आपका आगे ग्रैंड एवेन्यू के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं न्यूज़ 11 का पहले शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो गैर कानूनी जो स्कीम ग्रैंड एवेन्यू है और इसने हमारा 2017 से अरबों रुपया हमारा गरीब लोगों का आवाम का लूटा, जो हमने अपने और अपने बच्चों का पेट काट के और हर महीने इंस्टॉलमेंट की शक्ल में और डाउन पेमेंट की शक्ल में इनको दिया। ये ग्रैंड एवेन्यू जो एक जेली एक रहायशी स्कीम बनाई इसने और उसने हमारा अरबों रुपया बुकिंग की सूरत में 2017 में उन्होंने लंदन में शिफ्ट किया, उसके बाद अपनी औलाद को वहाँ शिफ्ट कर दिया और वो उसके बाद ये हमसे मुसलसल 3 साल इंस्टॉलमेंट ले रहे थे और उसके इवज इन्होंने आगे भी वो पैसा ज़मीनें खरीदी और इनका बेटा बाहर के मुल्कों में बैठ के ये लोग ऐश कर रहे हैं और हम इधर अपने जान माल सब कुछ लुटा के हम अपनी जानें देने के मर मर मिटने के लिए लगे हुए हैं कि हम तो मर जाएं इस हालात में कि हमारे पैसों पे ये ऐश कर रहे हैं और हम लुट गए हैं और ये आगे से हमें तड़ियां भी लगाती हैं और हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। नहीं, नैब में केस आपका चल रहा है, तो वो नैब क्या कर रही है? नैब में इन्होंने हमारे नैब में जो केस चल रहा है नैब के बारे में ये कहते हैं कि हमारी नैब के साथ सेटलमेंट हो गई है, नैब को हम देख रहे हैं, नैब हमें कहीं और जगह कर रहा है और हमें ये चकमा दे रहे हैं और नैब को भी चकमा, जिस तरह हमें चकमा दे रहे हैं नैब को भी चकमा दे रहे हैं और हम अवाने बाला जनाब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब का और रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल चेयरमैन नैब साहब से इल्तजा करते हैं कि हमारी जो लूटी हुई हक हलाल की कमाई है वो हमें वापस लुटाई जाए और इनको रियाज चौहान जो और इसका बेटा चीफ एग्जीक्यूटिव एहसन चौहान जो मालकान है जो मुल्क से अभी बाहर बैठे हुए हैं ऐश कर रहा है एहसन चौहान उसको भी पाकिस्तान में लाया जाए और रियाज चौहान को भी पाकिस्तान में इनको कटहरे में लाया जाए और इनसे हमारा जो हक हलाल की जमा पूंजी है वो वापस दिलाई जाए। अच्छा, इस सिलसिले में कोई आपका ये भी पता चला है कि कोई आप एहतजाज भी करने जा रहे हैं कोई नैब ऑफिस के सामने कल? जी सर, हमने हमारा कल रोज बुध 19 अगस्त को हम नैब ऑफिस लाहौर के सामने एक पुरअमन और अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं और डीजी लाहौर साहब से और हमने नैब से हम यही दरख्वास्त अपना रिकॉर्ड करवा के कि हमारा जो जल्द अज जल्द हमें इंसाफ दिलाया जाए और हमारी जो डूबी हुई रकम है वो हमें वापस दिलाई।